आईपीएल 2021 से पहले टी20 मैच में आया यूसुफ पठान और इरफान पठान का तूफान रचा इतिहास। आईपीएल 2021 का टीम में खेल सकता है दोनों पठान भाई। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में। दोस्तों यूसुफ और इरफान पठान वर्दी क्रिकेट टीम का ताबड़तोड़ क्रिकेटर रह चुके हैं। वर्दी क्रिकेट टीम का दिग्गज दोनों क्रिकेटर ने अभी हाल ही में रोड सेफ्टी लीग में वर्दी क्रिकेट टीम का लेजेंडरी टीम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों कल इंग्लैंड और भारत का दिग्गज क्रिकेटर ने आमने सामने भिड़े थे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पहले बॉलिंग के दौरान यूसुफ पठान ने अपने 3 ओवर में केवल 17 रन खर्च करते हुए 3 बहुत बड़े विकेट अपने नाम किया था। तो दोस्तों ऑलराउंडिंग प्रदर्शन करते हुए इरफान पठान ने पहले बॉलिंग के दौरान 4 ओवर में 23 रन खर्च करते हुए 2 सफलता हासिल करे। तो दोस्तों अपने बैटिंग के दौरान केवल 32 गेंदों का सामना करते हुए 66 रन बनाया, जहाँ पे इरफान पठान ने 6 छक्के और 5 चौके जड़े थे। आईपीएल 2021 शुरू होने से पहले दोनों पठान भाई के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जितने अनुभव ये दोनों पठान भाई के पास है वो आपको बहुत ही कम डोमेस्टिक क्रिकेटर के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे में आईपीएल में कई टीम हैं जो अभी एक्सपीरियंस क्रिकेटर को ढूंढ रहे हैं, और आईपीएल 2021 शुरू होने से पहले कुछ टीम को अभी चोट से गुजारते हुए देखा भी जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यूसुफ और इरफान पठान जो बहुत ही अनुभव है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने का क्षमता है, वो अभी इस बार आईपीएल में जुड़ सकते हैं। स्पेशली अगर इरफान पठान की बात किया जाए तो ना केवल उन्होंने टी20 में 150 से ऊपर स्ट्राइकर रेट लेते हुए रन बनाना जानते हैं, वो तेज तरह बॉलिंग भी करना जानते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी अच्छे बॉलिंग किया था। ऐसे में दोस्तों अगर आपको बोला जाए इरफान पठान को कौन सी टीम का होके खेलते हुए आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना राय क्या होगा वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इरफान पठान को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, नहीं तो राजस्थान रॉयल, नहीं तो पंजाब किंग्स का होके देखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि डोमेस्टिक का लिस्ट अभी भी ये सारे टीम का फुल नहीं हुआ है। दोस्तों ऑलराउंडर प्रदर्शन करने वाले यूसुफ पठान भी बहुत ही अच्छे लहर में नज़र आ रहे हैं। बैटिंग के दौरान लंबे लंबे छक्के जड़ना और साथ में ऑलराउंडिंग प्रदर्शन करते हुए बहुत क्रूशल विकेट भी चटकाना, बहुत अच्छे फॉर्म अभी यूसुफ पठान भी दिखा रहा है। ऐसे में दोस्तों आईपीएल में इससे पहले 3 टीम का होकर खेलने वाले यूसुफ पठान राजस्थान रॉयल, सनराइज हैदराबाद, नहीं तो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों 26 फरवरी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास करने वाला यूसुफ पठान का सफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिला, वो अभी मैदान से दूर नहीं जाने वाले हैं, मतलब वो और भी क्रिकेट खेलने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का ओनर शाहरुख खान का इंटरेस्ट यूसुफ पठान के पास है, तो हो सकता है इस बार फिर से यूसुफ पठान को टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से सकीम अल हसन को कोलकाता नाइट राइडर्स फिर से अपनी टीम के साथ जुड़े हैं, हो सकता है ये दिग्गज राइट हैंडर और मैच विनर क्रिकेटर को फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम अपने टीम में शामिल करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूसुफ पठान कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का होकर खेले, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।